अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इट्स माई स्टाइल बाय आयशा। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट डिनर रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि एक अरेबिक डिश है, इजिप्ट की ये डिश है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से, जो है अपने कल्चर के हिसाब से मॉडिफाई किया है। इट्स अ फ्यूजन डिश। इसका नाम है कोशरी, जिसको अरब में जो है वो पास्ता के साथ भी सर्व किया जाता है, राइस और पास्ता के साथ। आज हम इसको सिर्फ चावलों के साथ बना रहे हैं। इसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो आप नोट कर लीजिए। चावल हैं 1 किलो, जो मैंने भिगो के रख दिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए मसर, जो है 1 कप मसर है, जिसको मैंने भिगो के रख दिया है, इसको हम बॉइल करेंगे। इसके अलावा 1 किलो जो है ये मटन का कीमा है, 3 अदद बड़े टमाटर हैं जिनको मैंने काट लिया है, ये 4 प्याज थे इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। इनमें से कुछ जो है वो हम कीमा को कुक करने के लिए यूज़ करेंगे और कुछ जो है वो गार्निशिंग के लिए हम ब्राउन करके चावलों पे डालेंगे। इसके अलावा है हरी मिर्चें हैं जिनको लंबा काटा हुआ है, कुछ लेमन है स्लाइस में कटे हुए हैं। कीमे के लिए जो मसाले हमें चाहिए वो अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा, चावलों में भी जाएगा और कीमे में भी जाएगा। रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, ये गरम मसाले हैं जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी है, ये 2 से 3 स्टिक्स हैं, तेज़पात पत्ता है, बादियान का फूल है, ये 4-5 सब्ज इलायचियाँ हैं और ये 10 से 12 काली मिर्च ले लीजिए, 5 या 6 लौंगे हैं और ज़ीरा है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और ये तेज़पात का पत्ता है 1 अदद, ये जाएगा चावल जब हम बॉईल करेंगे। गार्निशिंग के लिए कुछ मैंने बादाम और किशमिश ली है जो कि गार्निशिंग के लिए ऊपर जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं दाल जो है वो बॉईल करने के लिए रखूँगी। ये ख्याल रखिएगा दाल को आपने दाल की तरह कुक नहीं करना है, इसको बिल्कुल हल्का बॉईल इस तरह से करना है कि ये खड़ी रहे, अपनी शक्ल में कायम रहे, और बिल्कुल भी इसको मिक्स जैसे हम लोग दाल बनाते हैं उस तरह से इतना ज़्यादा कुक ओवर कुक नहीं करना है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं और दाल रखते हैं बॉईल करने के लिए, फिर हम अपना कीमा तैयार करना शुरू करेंगे। देखिए, ये मसर थे जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं काले मसर, इनको हम बॉईल कर लेंगे 1 कप। ये जितनी देर मसर की दाल जो है वो बॉयल होती है उतनी देर हम कीमे की भी तैयारी कर लेते हैं। ये 1 कप ऑयल है जो मैंने पैन में डाला है। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज, प्याज मैं ब्राउन करूंगी। ये प्याज ब्राउन होने तक मैं इनको कुक करूंगी। जैसे ये ब्राउन होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। प्याज ब्राउन हो गए, इसमें से थोड़ा प्याज जो है वो मैंने उसके लिए निकाले गार्निशिंग के लिए। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे और कीमा भूनेंगे। हाँ
से ज़रा 5 मिनट तक हम जाकर करेंगे, कीमे का पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, ये हाथ का बना हुआ कीमा नहीं है, ये मशीन से निकाला हुआ बरी कीमा है, इसमें आप मोटा कीमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। कीमे का पानी कुक हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी बाकी हमारे पास जो चीज़ें हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून अदरक है और 1 टेबलस्पून लहसुन है। नमक इसमें जाएगा, ये 2 टीस्पून नमक है। मिर्चे हैं, रेड चिली, हल्दी पाउडर है। गरम मसाले में मैं इसमें डालूंगी ये दालचीनी की स्टिक्स हैं और ये 10-12 जो गरम काली इलायची है, काली मिर्च सॉरी, और ये लौंग है 5 से 6 और ये ग्रीन इलायची है, और साथ डालेंगे हम 1 टीस्पून ये ज़ीरा है, ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और मैं इसको 1 गिलास पानी डाल के तो मैं इसको रख रही हूँ ताकि ये गल जाए कीमा, तो इसके बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब ये कीमा तकरीबन गल गया है, अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, तकरीबन ये 3 बड़े टमाटर थे जो हम इसमें डालेंगे, और इसको अच्छे से भून लेंगे। कीमा आपने बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है, भूनते हुए इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए क्योंकि इससे ग्रेवी ही थोड़ी इसमें जाएगी। इसको तेज़ आंच पे मैं इसको करके तो इसको भून रही हूँ। अब इसको मैं ढक के रखूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट, तो ये टमाटर भी गल जाएंगे और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उतनी देर हम जो हैं वो चावल की तैयारी कर लेते हैं कि चावलों के पानी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी, तो मैं इसको कवर करके रखती हूँ। अब हम चावल की तैयारी करते हैं। ये चावलों का पानी मैंने ले लिया है बिल्कुल, चावलों को हमने बिरयानी के जैसा से चावल बनाते हैं उसी तरह से हम इसको बॉईल करेंगे। थोड़ी सी कसर रखेंगे चावलों को, बिल्कुल फुल डन नहीं करेंगे क्योंकि दम लगाएंगे हम तो ये उसमें पकेंगे। इसमें डाल रही हूँ मैं तेज़पात है, लौंग है, एक ये बादियान का फूल है, दालचीनी है, ज़ीरा है, लेमन के जो गोल गोल स्लाइसेस हमने काटे थे ये लेमन जाएगा, और इसके अलावा पानी में मैं नमक भी ऐड करूँगी चावलों के हिसाब से। 1 किलो चावल है तो इसमें मैं तकरीबन ये 4 टीस्पून के करीब सॉल्ट डालूँगी। अब ये पानी बॉयल आ जाए तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल एक करनी पे रख के हम इसको बॉयल कर लेंगे। चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं और ये कीमा भी मैं आपको दिखा दूँगी, इस तरह से कीमा है, बिल्कुल थोड़ा सा रस मिस्सा सा ग्रेवी है इसमें, बिल्कुल ड्राई मैंने नहीं किया है। अब आ जाती है बात असेंबलिंग की, अब हम इनको सिंगल सर्विंग में भी असेंबल कर सकते हैं और एक ही पतीले में जिस तरह से हम मैं आपको दम लगाना बता रही हूँ वैसे भी लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं किस तरह से करते हैं असेंबल इसको। अच्छा जी, अब मैंने चावल जो हैं वो आधे तकरीबन चावल नीचे पतीले में लगा दिए हैं, अब मैं इस पर कीमा डालूंगी। आप इसको सिंगल सर्विंग में भी अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ कि किस तरह से आप सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इस पे मसर, ये जो मैंने बॉईल किए हुए थे, थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हैं मैंने बचा के रखी थी, और लेमन थोड़े से, और इसमें और ऊपर डालूंगी मैं बाकी जो चावल हमारे रह गए हैं। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, अब हम इसको दम लगाएंगे, 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और इसको सर्व करेंगे हम बादाम और किशमिश के साथ, इसको ऊपर से गार्निश करके।
सिंगल सर्विंग में भी आप इस तरह इनको सर्व कर सकते हैं कीमे के साथ। इस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये कीमे की बिरयानी या कशोरी जो है फ्यूजन रेसिपी है, तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसकी, क्योंकि बच्चे यूजुअली जो है वो दालें और इस तरह से नहीं खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको पास्ता भी इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जो कि इसकी ओरिजिनल रेसिपी में होता है शामिल। इफ़ यू लाइक द रेसिपी प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट। और भी आपको जो भी रेसिपीज रिक्वायर्ड हो, जो आप पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं। थैंक यू।